इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात देश की करते हैं। कोरोना काल में कई राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, राजस्थान भी उनमें से एक है। लेकिन आज राजस्थान में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। कूड़े में डोज से भरी शीशी पड़ी मिली। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने राजस्थान समेत देश के कई स्टेट्स में वैक्सीन की वेस्टेज का रियलिटी चेक किया है, वैक्सीन सेंटर के हालात देखे, वहां के स्टाफ से बात की, अधिकारियों से सवाल किए, मंत्रियों से जवाब मांगा। वैक्सीन वेस्टेज पर यह ऑथेंटिक रिपोर्ट जरा देखिए। वैक्सीन की बर्बादी का सच क्या है? वैक्सीनेशन होने के बाद क्या वैक्सीन्स जो है वो यूजलेस हो जाती हैं, कहाँ फेंकी जाती है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुँचे हैं। क्या कूड़ेदान में फेंकी जा रही है डोज? ये डस्टबिन है, डस्टबिन में तमाम ये वैक्सीन पड़ी है, इसमें कई वैक्सीन्स भरी भी है। कोरोना वैक्सीनेशन का रियलिटी चेक। 10 में लगने के बाद जैसे 4 को लगी है, ठीक है, 6 को लगने के बाद 4 बची है, ठीक है, 5 बच गए, उसके बाद कोई आता नहीं है। वैक्सीन वेस्टेज की चौंकाने वाली रिपोर्ट। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर राजस्थान में सबसे ज्यादा हंगामा मचा है। यहां कई जगहों पर कूड़े में कोरोना वैक्सीन मिलने की बात सामने आई है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इसकी पड़ताल की। मनीष जयपुर से 280 किलोमीटर दूर पाली इलाके के कोट किराना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। उन्हें देखते ही सेंटर पर हड़कंप मच गया। मनीष को रोकने की कोशिश की गई। परमिशन कौन मांगता है? हमारा अधिकारी बेटा रहा है। कलेक्टर मांगता है परमिशन। आप कलेक्टर से बात कराओ। परमिशन लेके हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं, डीएम के पास। कोट किराना हेल्थ सेंटर पर किसी तरह मनीष भट्टाचार्य अंदर तो गए, मगर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यहां डस्टबिन में कोरोना वैक्सीन की 100 से ज्यादा वायल्स थैलियों में भरी हुई मिली। जैसे अब 5 बज गए, अभी 8 बज आए, 8 मिन गए आए तो वो 2 छूट गए, तो फिर दूसरे दिन ओपन लाइन पॉलिसी है नहीं इनपे, इसमें आधी ज्यादा बची हुई है। 5 आ जाते हैं, फिर जैसे शाम को 7 बजाते नहीं आते हैं, तो 5 बजे बाहर निकालो, डस्टबिन बाहर निकाल लीजिए, समय बची हुई है, सब बची हुई इसमें। कई वायल आधे से ज्यादा भरे हुए थे, मतलब 5 डोज इनमें अभी बाकी थी। पाली के कोट खिराना अस्पताल में हम मौजूद हैं, छोटा CHC है। अब यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं, बहुत चौंकाने वाली है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो ये डस्टबिन है, डस्टबिन में तमाम ये वैक्सीन पड़ी है, इसमें कई वैक्सीन्स भरी भी हैं। अब आप देखिए ये डस्टबिन में से ये वैक्सीन्स निकल रही हैं। अब इसमें तमाम वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें भरी हुई है डोज, ये देखिए ये आधी से ज़्यादा डोज भरी हुई है, ये पूरी वैक्सीन यहाँ पर देखिए, ये देखिए आधी से ज़्यादा डोज भरी हुई है। अब एक इसकी सच्चाई भी हम आपको बताते हैं इस वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन लगी थी ये मार्च में लगी थी, मार्च से तब से ये वैक्सीन पड़ी हुई है यहाँ पर, और आधी से ज़्यादा जो तमाम सैकड़ों जो वैक्सीन मेरे सामने पड़ी हुई हैं, इसमें तमाम ऐसी वैक्सीन से जिसमें डोजेस बची हुई हैं, लगभग आधी इसमें बची हुई है। ये आप देखिए, ये देखिए हर एक वैक्सीन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2/3/2021, एक्सपायरी 1/12/2021, यानी 2 मार्च को ये वैक्सीन आई थी, 2 मार्च से ये वैक्सीन यहाँ पर पड़ी है। कुछ शीशियाँ खाली हैं, लेकिन अधिकांश शीशी में आप देखिए ये भरी हुई है वैक्सीन, और तब से ये डस्टबिन में ही पड़ी हुई है। नियमों के मुताबिक अगर वायल पूरी खाली है तो इसमें डोज बच भी गई
तो उसे कोल्ड चेन सेंटर पर जाकर जमा करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मार्च से इसी तरह थैलियों में बंद वैक्सीन की शीशी कूड़ेदान में पड़ी थी। कोट किराना के वैक्सीनेशन सेंटर पर मनीष को मेडिकल स्टाफ सरिता मिली। मनीष ने उनसे पूछा, कूड़े में वैक्सीन क्यों? सरिता ने बताया कि वेस्टेज वैक्सीन है जो किसी काम की नहीं, लेकिन इसे कोल्ड चेन सेंटर पर जमा क्यों नहीं करवाया गया, इसका सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। सरिता जी, ये इतनी सारी वैक्सीन्स हैं और इस तमाम वैक्सीन में डोजेज इतनी ज्यादा हैं, आप कैसे क्या कहेंगे, ये तो वेस्टेज हो रहा है? सर, ये वेस्टेज नहीं है क्योंकि पहले ओपन वाइल पॉलिसी अलाउड नहीं थी कि मतलब जमा करवाई जाए, अभी लागू हुई है पहले मार्च की, अभी नहीं है। तो मार्च में अगर ये वैक्सीन लगी है तो उस वैक्सीन में इतने ज्यादा डोजेज अभी भी पड़े हुए हैं, मतलब कि ये एक वायल के 10 पे लगती है, अगर 5 पेशेंट आ गए तो 5 अगर नहीं आई सेशन साइड बंद हो गया तो 5 की बची हुई वो वेस्ट में डालनी पड़ेगी। आइए आप इधर आइए, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे सामने देखिए वैक्सीन रखी हुई है, ये अब ये इस बायल में आप देखिए आधे से ज्यादा भरी हुई है, तो अब इसका क्या होगा? अभी तो सर कुछ नहीं होगा इनका, ये वेस्ट है। हाँ, अभी तो वेस्ट। ये वेस्ट हुआ क्यों? ये पहले मतलब 10 को लगनी थी, 5 आगे, 5 नहीं आए, उसके बाद में सेशन साइट बंद हो गया, तो अभी ओपन हो गई, दूसरे दिन अलाउड नहीं है। लग पाली के कोट किराना सेंटर पर वैक्सीन की बर्बादी का सच सामने आ चुका था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही सेंटर की कहानी है? मनीष वैक्सीन की वेस्टेज की पड़ताल करने पाली के ही रायपुर सीएचसी में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहां भी कैमरा देखकर हड़कंप मच गया। मेडिकल स्टाफ वेस्टेज वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स में छिपाने लगे, लेकिन मनीष ने जब बॉक्स से वैक्सीन निकाली तो वो पुरानी निकली। ये तमाम वैक्सीन मेरे सामने रखी है, यहाँ के जो सीएचसी सेंटर में डॉक्टर्स, उनका कहना है कि जो वैक्सीन यूज़ हो जाती है उसको यूज़ होने के बाद हम बाकायदा इसको स्टोरेज में, पहले कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं ताकि ये 4 घंटे तक रही है। देखिए ये इसमें रखा हुआ है, ये कब से, जो डॉक्टर हैं उन्हीं से हम पूछते हैं, ये मैडम कब से रखी हुई है? ये 3-5 की है, वो 3-5 की है। अच्छा, मैं एक चीज़ में आपको बताऊं कि ये तो है कोल्ड स्टोरेज आपका कोल्ड, और 3 तारीख से रखी हुई है, 31 से रखी हुई है, ठंडी जरा सी भी है नहीं है, ये आप खुद छू के देखिए, जबकि वो बर्फ का पूरा है, एकदम ठंडी नहीं है ये। आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो चीज तो ठंडी होगी कि 31 तारीख से अगर आपने रखी है तो ठंडी तो जरा सी भी नहीं, हम तो कुछ छू के देख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें जो तमाम वैक्सीन है, उसमें कुछ वैक्सीन जो डिस्कार्ड हो गई उसमें वैक्सीन बची हुई है। इसमें डेट मैन्युफैक्चरिंग की 21/4 लिखा हुआ, एक्सपायरी 20/1/2022 की लिखी हुई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही मौजूद है, लेकिन ये इतनी जो डोज है वो बची हुई है, अब ये वेस्टेज में हो गई। यहाँ भी कोरोना वैक्सीन के करीब 50 वॉयल्स मिले, 20 वॉयल्स में वैक्सीन बची हुई थी। मनीष को यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि शाम के वक्त कम लोग पहुंचने की वजह से अक्सर डोज बची रह जाती हैं और वैक्सीन बेकार हो जाती है। ये जो इतनी वैक्सीन इसमें बची हुई है, लमसम मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे शीशियाँ हैं जिसमें वैक्सीन बची हुई हैं, कुछ ना कुछ डोजेस बचे हुए हैं। अब इसका मैं रीज़न बताइए कि ये रीज़न इसमें बचा हुआ है और उसके बाद आपने डस्टबिन में डाल दिया क्यों? 4 घंटे बाद में ना इसके वैक्सीन को काम नहीं ले सकते। अच्छा। इसलिए जब शाम को 4:30 बजे वैक्सीन लग जाती है, 5 बजे का टाइम होता है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। कई राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से पूछ चुका है कि वैक्सीन पर पॉलिसी क्या है, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। पाली में 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई, बड़ी मात्रा में वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है, खाली या आधी भरी वॉयल को कोल्ड चेन में जमा नहीं करवाया जा रहा। पाली जिले के 2 वैक्सीन सेंटर कोट किराना और रायपुर में हमारे कैमरे में वैक्सीन की डोज कूड़े में पड़ी कैद हुई। इसका जवाब वैक्सीन सेंटर के कर्मचारियों के पास नहीं है, लिहाजा मनीष भट्टाचार्य पाली में एसडीएम दफ्तर पहुंचे और सीधे एसडीएम से ही सवाल दाग दिया, वैक्सीन की डोज बर्बाद क्यों हुई? होता यह है कि कई बार कोई वायल खुली, जैसे सेशन साइट पे वैक्सीनेशन ख़त्म होने का टाइम होता है और
इस तरह के इश्यूज हमारे पास आते हैं कि साहब चार आदमी हैं वैक्सीनेशन साइट पे, हम इतनी देर से बैठे हैं। हमारी मेडिकल टीम का भी ये प्रयास हमेशा ये रहता है कि वैक्सीनेशन की एक भी डोज ख़राब नहीं हो, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो वैक्सीनेटर्स जो हैं वो इंतज़ार करने के लिए कहते हैं कि एक बार 10 लोग आ जाए तो वायल खोल करके कर लें। पर अधिकतर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती है कि लोग वायल खोल करके इंतज़ार नहीं करने के उस इच्छा से वो वैक्सीनेशन जल्दी कराना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वायल खुल जाती है, चार आदमियों ने वैक्सीनेशन करा लिया और उसके पश्चात छः लोग नहीं आ पाए, तो उन पर वो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, अवॉइडेबल रीजंस हैं इसके कि कोई नहीं आता है, तो उस परिस्थिति में कई बार डोजेस वेस्टेज होती है। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने सीधा सवाल एसडीएम साहब से पूछा, डोज बर्बाद क्यों हुई, क्या ये प्रशासन और सरकार का मिसमैनेजमेंट नहीं है? इस तरीके के वायल्स में आप देखिए आज 10 से 15 डोज खाली हो गई, ये एक बड़ी स्थिति। अब ये शायद कितने लोगों को लग सकती थी, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि इसका यूज इस तरीके से किया जा रहा है कि ये वेस्ट हो रहा है और डस्टबिन में जा रही है ये शीशियाँ। अब मिसमैनेजमेंट तो नहीं कह सकते, वैसे तो एक फिक्स परसेंटेज तक लॉसेस एक्सेप्टेबल भी किया गया है और उसमें है भी, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं प्रेशर्स तो है ही, नो डाउट, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, पूरा प्रयास हम भी करते हैं कि, पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि पांच आदमी खड़े हैं वो कह रहे हैं साहब हमें बचे हुए पांच का तो आप लगाते रहिए पर पहले हमें तो लगाइए। राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी से 17 मई तक राजस्थान में 11.5 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हुई है, जबकि गहलोत सरकार कह रही है कि राज्य में वैक्सीन वेस्टेज सिर्फ 2% है। वेस्टेज होती है लेकिन जितना वेस्टेज आप बता रहे, राजस्थान में और राज्यों से सबसे कम वेस्टेज हुई है। जो आंकड़ा उन ये जो 45 प्लस का है, जब शुरू में वैक्सीनेशन हुआ नेशनल जो वेस्टेज का आंकड़ा 6% रखा गया, कई जगह 12% हुई, 15% हुई, राजस्थान में 2% वेस्टेज है। और जब वेस्टेज का सवाल है, वेस्टेज कम है, पहले जब 45 प्लस का हो रहा था तब नया नया शुरू हुआ था लेकिन तब भी हमारा कम था, मैं ये कह रहा हूं वेस्टेज हुई है लेकिन आंकड़ा उतना नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि शुरुआत में सब कुछ नया था इसलिए वेस्टेज हो गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। सवाल यह है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या 5 महीने बाद जब मीडिया में खबर आए तभी वेस्टेज की समस्या दूर की जाएगी? राजस्थान सरकार ने वैक्सीनेशन पर शुरू से ही सही प्रबंधन क्यों नहीं किया? पाली में इस्तेमाल के बाद भी कई दिनों से वैक्सीन की वायल वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, डस्टबिन में पड़ी हुई है, थैलियों में भरी हुई है, जबकि कोरोना वैक्सीन के लिए क्लियर गाइडलाइन है, एक सेशन के लिए जितनी वैक्सीन वायल्स दी जाती हैं उन्हें वैक्सीनेशन के बाद वापस कोल्ड चेन पॉइंट पहुंचाना जरूरी है। कोल्ड चेन पॉइंट्स में वायल्स को तय तापमान पर रखा जाता है, यहीं से वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की सप्लाई होती है। शीशी चाहे थोड़ी भरी हो, इस्तेमाल हुई हो, खाली हो चुकी हो, उसे कोल्ड चेन पॉइंट भेजना ही पड़ता है। ऐसी वैक्सीन वॉयल जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ वो भी कोल्ड चेन पॉइंट भेजी जाती है। इस्तेमाल की गई वॉयल्स का डिस्पोजल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश के आधार पर होता है। यदि कोई चिट्ठी शाम के टाइम पे यदि कोई वायल को खोला जाता है और यदि 5 लोग उपलब्ध हुए, 5 लोग उसका अगले 4 घंटे तक नहीं पहुंचते हैं तो उस वायल को डिस्कार्ड करना होता है। पर किंतु ये जरूरी है कि जो वायल डिस्कार्ड की गई है वो बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार उसका निष्पादन किया जाए। इसलिए जो पहले शुरुआत में हमारे यहाँ पर कई जगह पर वायल के अंदर जो डोजेज हैं उनका निश्चित तौर से नुकसान हुआ, किंतु अब इसके बारे में बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक पूरे राजस्थान में काम हो रहा है और यहाँ तक हमने ये कह रखा है कि कोई भी जब तक 10 लोग इकट्ठे नहीं हो तब तक कोई वायल नहीं खोली जाए। वैक्सीन वेस्टेज की रिपोर्ट कई राज्यों से आ रही है। यूपी में लखनऊ के आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर का रियलिटी चेक संवाददाता रुचि कुमार ने किया। रुचि सबसे पहले जियामऊ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंची, यहां लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी लेकिन रुचि को यहां राजस्थान की तरह डस्टबिन या इधर उधर पड़ी हुई वॉयल्स नहीं दिखी।
हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने बताया कि कभी कभार ही एक दो डोज वेस्ट होती है। लखनऊ के जियामाऊ का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ भी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। ये दिन में कितनी वैक्सीन आप लोग कितने लोगों को लगा लेते हैं? 100 तक लगा लेते हैं। 100 का टारगेट, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करके आते हैं उन लोग ना, तो हमारे यहाँ 100 का टारगेट चल रहा है। 18 से 44 प्लस में और 45 से ऊपर वाला भी लगता है, उसका टारगेट अभी कोई ऐसा है जितने लोग आ जाए। जैसे ये आपने रखी है तो ये जब इसको तो 10 लोगों में लगाएंगे आप, तो 10 लोग आ जाते हैं तब खुलती है, क्या करती है? जी जी, सुबह के समय तो लोग आते रहते हैं, कोई इकट्ठे से 10-20-50 लोग हो जाते हैं तो लगाते रहते हैं हम लोग। बच जाती है तब क्या करती है? बच जाती है, अब जैसे लास्ट में वही होता है 4 बजे के बाद लोग नहीं आ पाते हैं तो इसको हम लोग वापस कर देते हैं, इनकी रोड चली जाती है हमारी जो BMC जहाँ के हैं, वेस्ट हो जाते हैं। जो खुल गया वायल हो चाहे एक ही डोज लगा है तो क्या वेस्ट हो जाती, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, ज्यादा तकलीफ 6-7 लोग को तो लग ही जाता है। जितने इकट्ठे 5 लोग हो जाते हैं तभी खोलते हैं लास्ट वाले। इसके बाद रुचि चिनहट इलाके के मलहौर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। यहां का स्टाफ भी वैक्सीन वेस्टेज को लेकर जागरूक दिखा। यहां कोशिश की जाती है कि कम से कम 7-8 लोग जरूर हो तभी नई वायल खोली जाएगी। रुचि को बताया गया कि कभी कभी एक दो डोज वेस्ट होती है, लेकिन सभी वायल्स को कोल्ड चेन सेंटर में शाम 5 बजे के बाद वापस कर दिया जाता है। एक दो डोज जैसे बच जाती है तो उसको जो है मतलब वो वापस जो कर दी जाती है, फिर कोल्ड चेन में अपना चली जाती है, वहाँ से फिर उसको यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि होता क्या है कि अगर ये डोज बच गई, अगर हम किसी को भी लगा दे रहे हैं तो उनकी वेरीफाई हम नहीं जब कर पाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं कर पाते, तो उनको मैसेज नहीं जाते हैं, मैसेज नहीं जाते तो अगला कहता है सेकेंड डोज हमको कैसे मिलेगी। तो इस वजह से जो है वो डोज लगाने से हमें कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं। कोशिश ये रहती है हमारी कि 3 बजे के बाद जब भी कोई 7-8 लोग, जब 6-5 इकट्ठे जब हो जाते हैं तभी हम लोग वैक्सीन को खोलते हैं, जिससे कि हमारे वेस्टेज कम। हमने यूपी के 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पड़ताल की, कुल मिलाकर यहां वैक्सीन वेस्टेज को लेकर रिकॉर्ड अच्छा है। यूपी में अब तक 1,94,12,000 डोज लगाई जा चुकी है। लखनऊ में रोजाना करीब 18,000 वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन वेस्ट ना हो इसके लिए खुद CM ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए NM को कई राउंड की ट्रेनिंग दी गई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स की बात सुनने के बाद एक बात एकदम क्लियर है कि हर जगह 100% वैक्सीन का इस्तेमाल हो ये कई बार प्रैक्टिकली संभव नहीं। बिहार के रक्सौल में जब इंडिया TV संवाददाता पहुंचे तो यहां भी लखनऊ जैसी दिक्कत दिखी। यहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज ने बताया कि अक्सर जब 10 का कोरम पूरा नहीं हो पाता तो मजबूरी में वैक्सीन लगवाने पहुंचे कम लोगों को ही टीका दे दिया जाता है, इससे एक दो डोज रोज वेस्ट हो जाती है। मान लीजिए कि किसी जगह पे जैसे एक वायल में हमारा 10 डोज देना है, वहाँ पर 9 आदमी इकट्ठा हो गया और वो काफ़ी मतलब कह रहा है, परेशान कर रहा है कि नहीं हम 9 आदमी हैं, हम क्या जानते हैं कि एक आदमी आएगा कि नहीं, हमको दिया जाए, हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। उस परिस्थिति में हम लोग गाँव में चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी जितना काउंसलिंग करते हैं लोग नहीं मानते हैं तो लगा देते हैं, उस परिस्थिति में हमारा एक डोज नुकसान हो गया। तो 4-5 जगह होने के चलते 2-3 डोज हमारा डेली नुकसान इस समय अभी के ये में जो 4 सत्र चल रहा है पार्षद उसमें हो पा रहा है। संवाददाता पुनीत परिंजा चंडीगढ़ के पास मोहाली में फेज 6 वैक्सीनेशन सेंटर में रियलिटी चेक करने पहुंचे। यहां के स्टाफ ने बताया कि वैक्सीन वायल तभी खोली जाती है जब 10 लोग मौजूद हों। डोज बर्बाद नहीं होती, लेकिन पुनीत ने जब एक खाली पड़ी शीशी को चेक किया तो एक वायल में डोज मौजूद मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है वो लगाई गई हैं और बकायदा इन वैक्सीनेशंस के ऊपर डेट और टाइम जो है वो मेंशन किया गया है। जैसे ये वैक्सीनेशन जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वैक्सीनेशन जो है ये लगाई गई है, कोविशील्ड है, इसके ऊपर बकायदा मेंशन है कि 3/6/2021 को खोली थी और इसके ऊपर टाइम भी मेंशन है कि 12:15 पर ये खोली गई थी और बिल्कुल ये खाली समय वैक्सीनेशन है। सिर्फ आज की नहीं, पहले की भी वैक्सीनेशन जो है वो पड़ी हुई हैं, ये 22/5/21 की है,
तो यहाँ पर भी 10/25 का डेट लिखी हुई है, लेकिन ये भी बिल्कुल जो है यूज वैक्सीनेशन है। यहाँ पर कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तमाम जो वैक्सीनेशन है सबके ऊपर ऐसे ही जो डेट है देख सकते हैं आपकी, ये 22/5/2021 यानी कि काफ़ी पहले की है ये, और ये इसमें जो है वो देख सकते हैं आप, ये इसमें जरूर ये आपको मिलेगी डोज जो है वो जरूर मिलेगी, ये डोज जो है वो यहाँ पर खराब जो है वो हुई है यहाँ पर कोवैक्सीन की। पुनीत ने इस बारे में मोहाली के सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्श पाल कौर से सवाल किया। उन्होंने बताया कि वेस्टेज नहीं है क्योंकि कई बार वायल में ज्यादा डोज आ जाती है, इस्तेमाल किए हुए वायल को बायोमेडिकल वेस्ट में दे दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में बेनिफिशरीज इकट्ठे होते हैं जो कि 9 होने चाहिए मिनिमम एक वायल को खोलने के लिए, ताकि उसको वेस्ट ना किया जाए। So, उससे हम वेस्ट नहीं करते हैं, जब 9 होते हैं उनको लगा देते हैं, फिर अगली खोलते हैं, 9-9 के बैच में मिनिमम बनता है। वैसे एक वायल से 10 डोजेस निकलती हैं, 10 डोजेस, तो अगर 10 हो तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती है, तो किसी किसी वायल में ही होता है कि 10 की जगह 9 को लगे बस। इस वक्त देश में पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन टीकाकरण के साथ साथ सभी सरकारों को वेस्टेज पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि एक एक डोज अनमोल है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।